तो सत श्री अकाल आदाब के मो नाशे। तो दोस्तों आज हो रही थी बारिश और वीडियो बनाने का ना अपना कोई प्लान नहीं था, बट पापा ना आते वक्त कुछ सामान ले आए तो हमने सोचा क्यों ना अब खाना ही है तो थोड़ा शेयर भी कर देते हैं। तो अभी हम बेडरूम में ही शूट कर लिया है इसीलिए, और धीरे धीरे आपको अपना होम टूर भी देंगे। तो बेसिकली हमारा बेडरूम है जहाँ पे हम पढ़ते वगैरह हैं और सोते हैं, तो आज हम यहीं पे ट्राई करेंगे जो भी पापा लाए। और सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाए क्या है। मेरे को तो लगता है नॉनवेज होगा क्योंकि बाहर हो रहा था मॉनसून, फुल बारिश चल रही है भाई लुधियाना में, फुल कड़ाकेदार अच्छा मौसम है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि नॉनवेज होगा। और तीन डब्बे हैं, एक एक करके खोलते हैं, देखते हैं कौन से कंटेनर में अपना जो सबसे ज्यादा पसंदीदार क्या चीज है। तो यार क्योंकि तीन कंटेनर है तो सोचना पड़ेगा कि पहले कौन सा कंटेनर खोलें, क्योंकि तीनों देखने में इतने लाजवाब लग रहे हैं। इसका एक ट्रिक शॉट है, ऐसे खोलने से बेटर है तू अकड़ बकड़ कर ले, अकड़ बकड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 सेंटर वाले ही खुलेगा आज। ये तो आधे में हो गया यार, तो कोई बात नहीं, सेंटर वाला कंटेनर खोलते हैं। और ये थोड़ा हैवी कंटेनर है, मेरे को लगता है इसके अंदर थोड़ा बढ़िया माल है। और नॉनवेज की भाई खुशबू तो खतरनाक आ रही है, अब इसका जो लेड है वो हटा देते हैं। ओहो भाई ये मेरे को लग रहा है ये है अफगानी चिकन, और आप देख सकते हो क्या ही चिकन है ये, फुल शाइन मार रहा है ये और कितना परफेक्टली कुक है, आप इस पे कुकिंग के वो देख सकते हो स्पॉट्स। तो यार देखने में तो इतना लजीज लग रहा है ये। तो यार साथ में सैलेड में इन्होंने हमें दो तरीके के प्याज दे रखे हैं, एक मूली दे रखी है और इन्होंने हमें चटनी दे रखी है ग्रीन वाली। तो अब हमने बातें बहुत ज्यादा कर दिया, सामान भी आपको पूरा दिखा दिया, अब बारी आती है खा के टेस्ट टेस्ट करने की। तो शुरू करते हैं। यार सबसे पहले हमने जो अफगानी खोला है तो अफगानी का जो टॉप वाला पीस, अरे यार इसके ऊपर जो धनिये से इतना वो कर रखा है ना, गार्निशिंग इन्होंने बहुत प्रॉपर कर रखी है, बिल्कुल सॉफ्ट पीस है ये। अभी पापा इतने मतलब आने में उनको काफी लेट हो गया था, तब भी अभी तक ये फ्रेश है। और भाई पीस तो यार एक मेरे को मिला टंगड़ी, ये अमर का फेवरेट पीस होता है पर आज मेरे हिस्से में आया। मैं तो टॉप वाला पीस उठा लिया, अंदर से भी आप देख सकते हो पूरा मैरिनेटेड है, और भाई देखने में क्या ही सुंदर लग रहा है, फुल पूरा यार फुल शाइन मार रहा है, फ्रेश चिकन है। तेरे को एक चीज मालूम है अमर? क्या? ये झांसे में लाया हो ना उसका नाम भी अमर है। हाँ ये भाई रणदीसी नगर में ना अमर फिश शॉप है। अच्छा। वहाँ गया था मैं कुछ खाने पीने, लेकिन बारिश वारिश शुरू हो गई, मैं कहा चलो घर पे लेके चलते हैं। केले केले खाने गए थे मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ देखने के लिए कि अपने यारों दोस्तों क्या दिखाना हमने नया। वैसे है बहुत अच्छा यार, बहुत सॉफ्ट था, मैंने अभी ना इसकी बाइट लेके देखी, बड़ा लजीज टेस्टी है। तो फिर इसका वीडियो बनाएंगे, वो भी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हाँ मैंने अमर फिश का नाम तो यार बहुत सुना, क्योंकि मेरे दोस्त बेसिकली वहीं पे रहते हैं आसपास, तो उन्होंने मेरे को बहुत बार ही बताया कि अमर फिश का जो खाना है ना बहुत खतरनाक होता है। तो यार अब हमने ये तो ट्राई कर लिया, अब कौन सा एक और बाइट उठाते हैं, अब फिर से अकड़ बकड़ हो गया, ये यही खाता रह जाएगा, मेरे को भूख लगी हुई है, दूसरा डब्बा खोल ले भाई, ये वाला खोल लेते हैं। अफगानी इतना टेस्टी कि दूसरे में तो यार मैं जा ही नहीं पा रहा। ओ अमर बोला क्या निकला क्या निकला क्या निकला, ओहो हाय हाय चिकन। तो ये भी भाई चिकन है अपना, अमर फिश वाले से चिकन, वो चिकन की आइटम उनकी बहुत अच्छी थी। फिश यार अभी गर्मी ज्यादा तो फिश एक ही आइटम ली, जो अच्छा इसमें फिश है, सारे लोग ने पता नहीं खाली फिश खा के खुश होंगे कि नहीं होंगे, मैं कहता हूं अभी इसको रेडी ले लेते हैं। अरे वाह यार ये फिश देखो, मैं पहले सोच रही यही खा लूं, ये देखने वाली फिश है। सबसे पहले अब यही ट्राई करेंगे, तंदूरी चिकन को यार थोड़ा सा तो साइड पे करना पड़ेगा क्योंकि अब फिश सामने आ गई है जो कि उनकी लजीज आइटम। ये कौन सी वाली फिश है? ये सोल फिश है फ्राइड, सोल फिश फ्राइड, नाइस। तो यार पीसेज आप देख सकते हो, हाँ यार सॉफ्ट तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो आप ये देख लो छोटे छोटे पीस हैं लेकिन क्वांटिटी इन्होंने काफी सारी दे रखी है। और फिश टेस्ट देखो कैसा टेस्ट है, तभी इसका वीडियो बनाएं, चटनी लग रही है अंदर से भी शाइन है। तो यार पहले बिना चटनी खाता था कि टेस्ट तो भाई वो करता ना एक नंबर मस्त टेस्ट था यार। देखो दोस्तों को हमें बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को कि हम ऐसे वीडियो नहीं बना देते, हम पहले वहां से खाना मंगाते हैं या लेके आते हैं, खा के चेक करते हैं कि आपके साथ शेयर करने से पहले कि अगर वाकई उसकी क्वालिटी अच्छी है तभी उसका वीडियो बनाते हैं, ऐसे नहीं कि हर एक का वीडियो बनाने। बात सही है। तो यार मैंने एक बार ना अमर फिश वालों का मेन्यू देखा ना, मेन्यू में उनके इतने आइटम्स हैं चिकन से लेके फिश तक, बट यार जो अभी खाया ना ये भी मेरे को बहुत टेस्टी लगा, बाकी भी कभी ना कभी ट्राई करेंगे। चिकन ला यार तू फिश खा, मेरे को चिकन खाने दे, चिकन देखो क्या मस्त हो रखा है तंदूर, वाह 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 देख क्या मसाला आला है इसमें भी, मैं ये वाला पीस उठा लेते हैं और इसको भी तोड़ के देखूं मैं। यार ये तो पूरा मैरिनेटेड है, ये ऐसा लग रहा है क्रूशॉन है, क्रूशॉन क्या होता था
और देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सही में, और कलर भी इसका वैसा ही है। तू लगा इसके साथ चटनी पुदीने की, चिकन भाई। ओ हाँ भाई, मैं पुदीने की चटनी तो भूल गया। स्नैक टाइम के लिए तीनों आइटम बड़ी मस्त थी यार। यार पुदीने की चटनी पूरा पूरा डब्बा खा जाऊं मैं तो। वाह, टेस्टी, सॉफ्ट, जूसी बड़ा था, बहुत जूसी था यार। टेंडर चिकन है पूरा, इतना ज्यादा जूसी है। और फ्रेश लग रहा है, मानसून के मौसम में भी फ्रेश बिल्कुल। इससे पता लगता है बंदे की क्वालिटी देख तू भाई। ये मेरे ख्याल से हाफ था, हाफ है और है भी सस्ता, 140 का हाफ है और 160 का अफगानी है। फिश उसकी मेरे ख्याल से 300 रुपए की थी। तो अफगानी 160 का है और तंदूरी 140 का है। हाँ। बट क्वांटिटी यार बहुत मजेदार है। मेरा फेवरेट तो यार इसमें से अफगानी चिकन हो गया, क्योंकि जो इन्होंने इसकी मैरिनेशन कर रखी है, जो फ्लेवर है इसका टेंडर चिकन सच्ची में बहुत अच्छा। तो फिश पसंद नहीं आई? फिश टेस्टी थी बट यार मेरे को अफगानी चिकन ज्यादा पसंद आया। मेरे को फिश का इसलिए एक पॉइंट माइनस लगा, क्योंकि यार ये मसाले ना बहुत इसके वो है, कम है, सेम लेवल पे है। मसाले ज्यादा हो ना तड़कती भड़कती, फिर मेरा फेवरेट फ्लेवर बन जाता है। हमारा थोड़ा टेस्ट जो है वो स्पाइसी डेवलप हो चुका है, तो मैं स्पाइसी खाने में ना बहुत मजा आता है। बट चैलेंजेस में हमसे स्पाइसी खाया नहीं जाता, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। चटनी वटनी लगा के खाना था ना, ऐसे ही खा लिया आपने। तभी मुझे लगता है चटनी लगा के भी देख लेते हैं यार क्या पता। साथ में इन्होंने अनियंस भी दे रखे हैं हमें, तो यार देखने में तो मस्त है, मस्त चटनी लगा। मैं तो यार मेयो में लगाऊंगा फिश के साथ। मेयो का टेस्ट जो आता है ना बहुत, अरे हाँ चटनी में जो की मिर्ची है मुझे लगता है इसीलिए फिश वगैरह में कम डाली, अब बहुत टेस्टी है चटनी के साथ। मेरा ये प्रेफरेंस हो गया, चेंज हो गया मेरा। तू इसको फिनिश कर दे, और फिनिश करने के लिए तो ये अकेला बंदा ही काफी है। और मुझे आपसे पूछना था, आजकल व्यू बड़े कम आ रहे हैं, क्या हो गया आजकल? आप प्लीज यार लाइक कर दो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया है। वैसे तो हमें पता करा होगा, पर अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लो। और हाँ, जो न्यू व्यूअर्स है, और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि हम जब बाहर जाए तो बारिश हो रही हो तो हमें घर पे ही शूट करना पड़ जाए, तो हम घर पे भी आपके लिए शूट करेंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वीडियो जरूर आएगा आपके लिए। ऐसे हो सकता है ऐसे शूट करें या पूरे सेटअप पे शूट करें। प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कॉमेंट करके ना हमें एक चीज जरूर बताना इस वीडियो के नीचे कि हमें कहाँ का खाना घर पे खाना चाहिए और कहाँ का हमें बाहर जाके खाना चाहिए। क्योंकि ना कई जॉइंट्स ऐसे होते हैं उनको खाना क्या एक नंबर होता है, बट वहाँ पे या तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता या फैमिली के साथ नहीं जा सकते तो घर पे आके उसको खाना पड़ता है। तो प्लीज इस बात को भी कॉमेंट में नीचे हमें बता देना। और अब हम इसको फिनिश कर रहे हैं। अच्छा लगा आपके साथ हमें वीडियो शेयर करके, आप भी हमें लाइक करके बता दो आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चाओ।